उसके बाद कुछ जलती हुई सिगरेटें लगाई हुई हैं मेरे शरीर पे, लकड़ियाँ ये लगाई सारे हुई उसी के निशान हैं। हैं। हाँ जी, लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। एक लोहे की राड के साथ मारते थे हमें, उसके बाद हमारे गर्दन पे चाकू रख के घर वालों को वीडियो कॉल करके पैसे मांगते थे। तो जब 2-4 दिन बाद हमें दोबारा जंगल में लेके गए, जो मेरे कुछ फ्रेंड थे जो उनकी हमें वहाँ पे लाशें पड़ी हुई मिली थी, क्योंकि उनके घर वालों ने पैसे डाले थे। उन्होंने बोला था भी 5,000 की रोटी देंगे जी एक टाइम की, जिसमें 4 रोटी और सब्जी देंगे। तो हमारे घर वालों ने तो हमें तो भूखा रख नहीं सकते थे वो, तो उन्होंने जब मुझे रोटी दी 5 वीडियो कॉल करके 5,000 में, तो वहाँ पे भी उन्होंने जब वीडियो कॉल कट हो गई उन्होंने आगे से वो भी खाना उठा लेते थे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़की राम राम। और हमारे साथ में है मुकेश जो मूण गांव से है, करनाल जिला है। तो ये अपना दिखा है बैठा, लेकिन कुछ महीने पहले 6 महीने तक ऐसी कैद में रह कर आया, शायद किसी ने ऐसी कैद नहीं देखी होगी। इसी कैद में तो निकल कर आया कि आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपने घर पर पहुँच गया हूँ। तो बात क्यों हुई है मुकेश से पूछ ले हैं। राम राम मुकेश जी। राम राम जी। मुकेश जी, यकीन हो रहा है घर पर बैठे हो? नहीं जी, ये तो यकीन नहीं हो रहा, मतलब ऐसा क्या हो आपके साथ में? बस ये कोई फर्जी एजेंट द्वारा वहाँ पे फंस गए थे। हाँ अच्छा, जी, बहुत बुरा हाल हुआ है, ये कोई पुनर्जन्म ही हुआ है जो दोबारा घर पे आ गए हैं। तो आज भी यकीन नहीं हो रहा कि अपने घर पे आ रहे हैं? तो नहीं जी, दिल दहलाने वाले हादसा। बहुत जी, जान से मारने तक की हुई है जी। तो किस किस प्रकार था आप, मतलब कब गए थे वीजा लगवा कर दूसरे देश में? जी मैं 24 सितंबर को गया था यहाँ से, यहाँ से रसिया भेजा था मेरे एजेंट ने, एक राजकुमार चरणजीत और अली ने। यहाँ से मुझे रसिया भेजने के बजाय पहले थाईलैंड भेजा था इन्होंने, थाईलैंड से मुझे रसिया भेज दिया जी। तो रसिया जाते जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, तो इनके कोई आगे डोंकर थे क्या थे मुझे नहीं पता जी, वो मुझे अपने घर पे ले गए। पहले तो कुछ दिनों तक मेरे साथ सामान्य व्यवहार रखा, जब तक ये मेरी बुआ का लड़का सन्नी नहीं वहाँ पे पहुँचा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे साथ भी गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, घर से मारते थे पीटते थे कि पैसे डलवाओ घर से, क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए थे आगे, मेरे घर से ये पैसे ले गए थे सारे। तो मैंने इनको भी फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। चरणजीत ओली से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, उन्होंने मेरे को ही नहीं सुनी, उन्होंने आगे नंबर दे दिया कोई बलजीत कौर मैडम को। तो बलजीत कौर ने आगे बोला भी पैसे तुम्हें डलवाने पड़ेंगे, तो उन्होंने भी घर से पैसे डलवाए, वो तो मेरे फादर को ही पता कितने कितने पैसे डलवाए हैं इन्होंने। तो जैसे वहाँ पे पैसे डलवाए थे तो हमें कुछ दिनों बाद जंगल में लेके गया, अभी तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे ये है वो है। तो हमने बोला है हमारे तो जर्मनी का वर्क परमिट बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला था अभी तुम्हें यहाँ से रशिया लेके जाएंगे, 15 दिन का होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने तो हमें वहाँ से बेलारूस भेज दिया, बेलारूस बाय टैक्सी इलीगल लेके गए हमें ये। तो वहाँ पर जाके इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जंगलों में लेके हमें मारते थे पीटते थे, तो ऐसे घर से ये पैसे डलवाते रहे जी। तो देखो वहां पे आप कह रहे हो मार पिटाई करी, तो किस कदर आप तो मार पिटाई की, किस लेवल की? पहले तो जी अपने एक लोहे की राड के साथ मारते थे हमें, तो उसके बाद हमारे गर्दन पे चाकू रख के घर वालों को वीडियो कॉल करके पैसे मांगते थे। उसके बाद कुछ जलती हुई सिगरेटें लगाई हुई हैं मेरे शरीर पे, लकड़ियाँ ये लगाई हुई सारे हैं। उसी के निशान हैं। हाँ जी, लकड़ियाँ लगाई हुई हैं, कमर पे भी हैं बहुत, तो ऐसे इन्होंने टॉर्चर किया है जी। जी मतलब जिस स्टैंप लगाते हैं तो किस प्रकार, कितना दर्द? दर्द तो बहुत होता था जी, ये तो एजेंट है जी, इनका तो बिजनेस है, इन्होंने तो पैसे डाले नहीं। जैसे ही उन्होंने घर वालों को वीडियो कॉल करी तो घर वालों ने तो फिर पैसे डालने थे जी, तो घर वालों से पैसे डलवाए हैं। उसमें इनका भी आता है जी, जो इनके पास भी पैसे आए हुए हैं। तो देखो मुकेश के पिताजी, तुम्हारी बात हुई थी, श्यामलाल जी थे, तो 30-32 लाख रुपया इनने भेजा है। और घर की पहले तो मतलब लड़के को भेजने के लिए जो जमीन थी वो दे दी, वो बेचनी पड़ी। उसके बाद जब उड़ा टॉर्चर कराया गया तो घर गिरवी रख दिया। और घर गिरवी रखने ते ही बात नहीं रही, अगर जो माँ के काना के या फिर नाक के, वो भी एक माँ ने अपने बच्चा बचाने खातर वे भी बेचने पड़ गए। तो जिस माँ ने अपना बच्चा पाल दिया पोस दिया, और फिर कान्हा के भी बेच दिए, घर भी गिरवी रख दिया, जमीन भी बेच दी, और उम्मीद न्यू नहीं थी कि बच्चा उल्टा आ जाएगा। थी कोई उम्मीद मुकेश जी उल्टे आने की? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं थी जी घर आने की हमें तो जी, बल्कि उन्होंने जब डोंकरों ने मार पीट के हमें आर्मी के हवाले कर दिया, उन्होंने हमें ऑप्शन दिया भी या तो आर्मी ज्वाइन कर लो या तो हमें 10 साल की सज़ा होगी, तो हमने 10 साल की सज़ा चुनी जी। 10 साल की सजा चुनी। हाँ जी, तो उसके बाद फिर क्या प्रोसेस रहा? उसके बाद जी 10 साल की जब हमें सज़ा होगी, तो हमारे कुछ जो ये एजेंट हैं इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया भी हम तुम्हारा लड़का वापस ला कर देंगे, हमारे घर के साथ कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, क्योंकि विदेश बैठे इनके बंदे हैं जी, हमारा मेरा जो फादर साहब है वो हमें कहाँ ढूंढता जी, उनके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जी। तो उन्होंने बोला कि हमने 60,000 में वकील किया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वकील नहीं किया था,
तो फिर घर वालों को किसी इन्होंने बताया किसी रिश्तेदार को भी तुम्हारा लड़का उस जेल में है। तुम्हारे घर वालों ने फिर वकील किया जी, 6 लाख में मेरी जमानत हुई है, 6 लाख में मेरे ब्रदर की जमानत हुई है जी। तो उन्होंने जमानत करवा के बोला भी टिकट तुम्हें करवानी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने टिकट करवाई जी, तब जाके घर आए अपने। फिर मतलब उस टाइम पे कैसे हालात थे आप जब वहाँ से मैं टिकट करवा के आए? वहाँ से जब निकला था जी, मैं तो पहले बीमार था, मुझे तो 12 दिन हॉस्पिटल में भी रखा है रसिया वालों ने, उन्होंने आर्मी वालों ने, बेहोश था जी। मुझे 13वें दिन बाद होश आया था। जब मैं होश आया था मेरे साथ, मुझे कुछ दिनों बाद जी सन्नी मुझे मिला था, लेकिन मेरे साथ पहले सन्नी भी नहीं था जी। मतलब आपके पिताजी बता रहे थे कि मतलब आपको इस प्रकार टॉर्चर किया है कि बेहोश हो जाया करते, आप इतना टॉर्चर कराया गया है। हाँ जी, टॉर्चर भी किया गया, कुछ नशा भी खिलाते थे। पहले जो 15-15 दिन बाद एक बिस्कुट देते थे जी, उसके बाद जब उन्होंने मारा जी, पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गया उनकी मार से ही, तो भूख के कारण कुछ ऐसे ही जी। मतलब पहले सिर्फ चाय चाय देते थे। मतलब हाँ जी, चाय तो जी हमें वो भी आर्मी वालों के पास आके मिली है, वो तो कुछ भी नहीं देते थे जी, पानी भी नहीं देते थे पीने को। 15 दिन बाद एक कोई बिस्कुट दे देते थे जी बस। वो जब आर्मी वालों के पास आए, वो नॉन वेज देते थे, नॉन वेज मैं खाता नहीं हूँ। है ना, आपके पिताजी बता रहे थे श्यामलाल जी कि मतलब वो खाना नहीं देते थे, लेकिन मतलब डिमांड करी भी खाने के लिए, तो वीडियो कॉल पे दिखाई 4 रोटी और दी एक गई। हाँ जी, उन्होंने बोला था भी 5,000 की रोटी देंगे जी एक टाइम की, जिसमें 4 रोटी और सब्जी देंगे। तो हमारे घर वालों ने तो हमें तो भूखा रख नहीं सकते थे वो, तो उन्होंने जब मुझे रोटी दी 5 वीडियो कॉल करके 5,000 में, तो वहाँ पे भी उन्होंने जब वीडियो कॉल कट हो गई, उन्होंने आगे से वो भी खाना उठा लेते थे। तो मतलब जंगल में ले जा रहे थे आपको? हाँ जी, जंगल में लेके गए थे। जो मेरे कुछ फ्रेंड थे जी, वहीं पे बने थे फ्रेंड, तो उनके घर से पैसे नहीं आए, हमें दोबारा जंगल से वो अपने रूम पे ले आए। तो जब 2-4 दिन बाद हमें दोबारा जंगल में लेके गए, जो मेरे कुछ फ्रेंड थे जी, उनकी हमें वहाँ पे लाशें पड़ी हुई मिली थी, क्योंकि उनके घर वालों ने पैसे नहीं डाले थे। तो मतलब लाशें देख के ये तो यकीन है कि हमारा भी हो यार वाला है। हाँ जी, हमें भी यही पता था जी, वो तो यही है, जब तक पैसे देते रहे तब तक बचे रहे जी। मतलब एरोप्लेन में बैठने के लिए मतलब हथकड़ी बाद में खोली गई हाँ आपकी? जी, जब वो आर्मी वाले हमें डिपोर्ट करने के लिए एयरपोर्ट पे लेके गए, तो हमारी एरोप्लेन में बिठा कर पासपोर्ट भी नहीं दिए थे, पासपोर्ट तो हमें जहाँ पे स्टे था वहाँ पे आके मिले हैं। वहां पे आके हथकड़ी खोली गई हाँ जी, आपकी? मतलब वहां पे जहाँ पे आप रह रहे थे या फिर जड़ा जड़े आपको ले जाया गया, तो किसा किसा माहौल था, कि जंगल थे आसपास की था? जंगल के पास ही उन्होंने कोई घर मकान बना रखे हैं जी, जो डोंकर होते हैं इन्होंने बना रखे हैं। हमें तो इसका अंदाज़ा भी नहीं था हमें जंगल में लेके जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो हमें वर्क वीज़ा परमिट बोला था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जी। इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया जी, 30-35 लाख भी चले गए हैं, और घर भी गिरवी रखा है जो 2-3 महीने के लिए, वो भी अब 2 महीने बाद उसका भी टाइम हो जाएगा जी। अभी इलाज चल रहा है फिलहाल आपका? वो जी इलाज तो अब भी चल रहा है जी, मैं अब भी दवाई लेके आया हूँ, रात को सोते हुए अब भी ऐसे बेचैनी हो जाती जैसे अब भी जेल में हूँ, और भी बहुत माड़े हालात हैं जी। मतलब वहां से आने के बाद फिर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, हाँ जी, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे जी तो वहाँ घर से। वाले लेने गए वहां से? नहीं जी, हम टैक्सी करके आए वहाँ से। मतलब घर वालों को पता था कि आप उस दिन आने वाले हो? हाँ जी, मैंने बता दिया जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा था, तो ऐसे ऐसे उस टाइम पे मतलब घर वालों के क्या हालात थे जिस टाइम पे आप मिले? घर वालों को क्या है जी, आपको पता ही है जिसका मतलब लड़का। जो तिल तिल मर रहे थे कि एक बल न्यू था कि पता नहीं क्या होगा लड़के के साथ, पता नहीं क्या होगा लड़के के साथ। ये तो है जी, आपको पता ही है जी, जब घर वालों के उनके लिए तो मैं ही जरूरी हूँ, पैसे तो हैं बिल्कुल नहीं देखो जी। पैसे जरूरी नहीं थे, इसलिए तो घर भी गिरवी रख दिया, जमीन भी रख दी, माँ ने अपने खुद के सोने के भी निकाल के दे दिए। हाँ जी, तो वहाँ पे तो बहुत माड़े हालात हो गए जी, इन्होंने कर दिए। तो मुकेश जी आप क्या कहना चाहोगे? देखो बहुत सारे आज के टाइम में अगर बात करें ना, तो विदेश में जाने का कसूता ट्रेंड चल रहा है, आपने पता भी है, गांव के गांव खाली होना आ रहे हैं, तो उन बड़कत क्या कहना चाहोगे आप जैसे युवा हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, एक नंबर का काम बनवाओ, जैसे वर्क वीज़ा परमिट, या ऐसे कोई जो ये लगवाते हैं फर्जीवाड़े से, इनसे बच के रहो जी। देखो लगवाया तो आपने भी एक नंबर का हाँ होगा। जी, मेरा तो एक नंबर का बोला था जी, लेकिन इन्होंने 2 नंबर का मुझे काम करवाया जी वहाँ पे। चलो 2 नंबर का वो भी मुझे नहीं है जी, लेकिन जो डोंकरों के वाले करके इन्होंने मुझे पिटवाया या पैसे नहीं आके दिए, ऐसे किया जी इन्होंने। पैसे तो बहुत खा गए जी, पैसे के कोई नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ वहाँ पे टॉर्चर हुआ है ना जी, वो बहुत। कितने महीने तक चला ये प्रोसेस? ये जी 3-4 महीने तक चला जी, पहले तो कुछ महीने, 2 महीने तो मैं जेल में रहा हूँ, तो 2-3 महीने इन्होंने वैसे किया जी, 1-1.5 महीने तक तो पहले जिसमाना व्यवहार रखा, क्योंकि ये मेरा भाई आने वाला था मेरे पास, इसलिए जी। मतलब मौत तो बदतर जिंदगी। हाँ जी, मौत से बदतर। इनके कुछ पाकिस्तानी बंदे हैं, कुछ इंडियन डोंकर भी हैं जो अमृतसर से हैं, पंजाब से हैं, इन्हीं के ही आगे पूरा जाल फैला हुआ है जी। मतलब आपके जो पिताजी है वो लगातार पुलिस प्रशासन से पहले भी मिल रहे थे? हाँ जी, पुलिस प्रशासन के साथ वो मिल रहे थे जी हमारे, तो 1 महीने कुछ दिन, 27 दिन तो हमारे जी पर्चा नहीं दर्ज हुआ, जांच चल रही है, जांच चल रही है। उसके बाद अभी जब मैं 28 तारीख को घर आया हूँ, तो 27 तारीख को पर्चा दर्ज हुआ है जी।
मेरे घर आते पर्चा दर्ज हो, लेकिन अब तक कोई रेस्ट ही नहीं हुआ जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी अभी तक। एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने बोला है जी तुम्हारी, यहाँ पे SHO मुणक को फ़ोन किया था, उनको भी बोला है जी, अभी देखो जी आगे क्या होता है। तो मुकेश जी दोबारा फिर विदेश जाना चाहोगे? नहीं जी अभी तो जी कोई ऐसे हालात ही नहीं है, आपको पता है ज़मीन बिकी, घर भी गिरवी रखा हुआ है, अभी तो ऐसा कोई हालात नहीं है जी। वैसे मेरे भी ऐसे हालात नहीं है, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। अभी बड़ा टाइम लगेगा आपको ठीक हाँ जी होने अभी में, तो बहुत टाइम लगेगा जी। क्योंकि एक है ना, मतलब आप चलो शरीर से भी ठीक हो जाओ लेकिन मानसिक रूप से वो चीज़ें जाएगी। हाँ जी वो तो इतने महीने जेल में रहे हैं, उनके टॉर्चर सहते रहे हैं, आज भी सपने में कई बार हो जाता है जैसे उनके जाल में हम फंसे हुए हैं। वही चीज़ें याद आती हैं। हाँ जी तो देखो जैसे पहले हंसते बोलते थे खेलते थे, थोड़ा उस चीज़ में भी इफेक्ट पड़ा है ना, मतलब पहले इतना हंस नहीं बोल पाते या फिर खेल घूम जी फिर नहीं पाते। बोलने नहीं जाता जी अभी तो, ये तो आपको इंटरव्यू देने के लिए जी इसलिए, लेकिन मैं उससे इतना बोलने नहीं जाता जी, मैं आराम से बोलता हूँ, घर से तो अभी मैं निकलता ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो चीज़ अंदर बैठ गई है और बड़े मुश्किल से निकल पाएगी। तो साथियों सारा मामला आपके सामने है कि किस प्रकार था, मतलब 5-6 महीने तक, और घर वाला कभी क्या हाल रहा होगा, सोच सोच कर परेशान होने वाली चीज़ है कि एक बार किसी का कुछ हो जाए तो परिवार चलो साल 6 महीने में संभल जाए, लेकिन 6 महीने तक इस प्रकार लगातार टॉर्चर करना, और घर वाला ने क्या नहीं करा, घर वाला ने जमीन बेच दी, अपना घर गिरवी रख दिया, और एक माँ ने अपने कान्ना के नाक के काट के विवे भी बेच दिए अपने बेटे खातर, और फिर भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा, और इस प्रकार तक टॉर्चर कराया गया कि पूछो ना, शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज भी निशान न्यू के न्यू है और इबी भी मतलब इलाज चल रहा है, पता नहीं कितने दिन में जाकर ना वह चीज़ दिमाग तो उतरेगी, क्या मूड है, क्या घर पर आएगी। आज भी यकीन नहीं हो रहा कि हम अपने घर पर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बुरी तरह टॉर्चर करना कोई जानवर ने भी नहीं करा इतनी बुरी तरह टॉर्चर। तो साथियों आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, और तस्वीरें ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।